नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अलका वर्मा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के समाज कार्य विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं समाज कार्य विषय के बारे में जानने के लिए कि समाज कार्य विषय क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसका स्कोप क्या है, क्या हमें समाज कार्य करने के बाद जॉब मिल जाएगी, समाजशास्त्र और समाज कार्य में अंतर क्या है और इसके बाद क्या हमें नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, या सिर्फ ये एक इतिहास और इस तरह के सब्जेक्ट पढ़ने के जैसा ही है। तो मैं सबसे पहले आपके डाउट्स क्लियर करना चाहती हूँ। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियाँ होती हैं कि एक नया सब्जेक्ट है ये, अभी बहुत पुराना नहीं है, तो लोग समझते हैं कि समाजशास्त्र और समाज कार्य एक ही विषय है, जबकि ये एक विषय नहीं है। दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हैं, दोनों की डिग्रियाँ अलग हैं, दोनों की PhD अलग अलग होती है, दोनों में डॉक्टरेट अलग अलग है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, समाजशास्त्र और समाज कार्य। जैसा कि आप शास्त्र शब्द सुन रहे हैं, शास्त्र का मतलब ही होता है कि अध्ययन करना। जब हम समाज की रीतियों के बारे में, परंपराओं के बारे में, कुरीतियों के बारे में, आंदोलन के बारे में, समाजशास्त्रियों के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसको कहते हैं समाजशास्त्र। मतलब शास्त्र में हम सिर्फ अध्ययन करते हैं कि हमारे समाज में क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या बुराइयाँ हैं, पर समाज कार्य में हम एक्शन करते हैं। जो भी हमारे आंदोलन हुए हैं वो एक्शन हैं। तो समाज कार्य में हम कुरीतियों पर, अंधविश्वास पर और आंदोलन पर कार्य करते हैं। जैसे समाजशास्त्र में हम एक आंदोलन पढ़ते हैं और समाज कार्य में हम आंदोलन करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है, एक एक्शन मोड है और एक शास्त्र मोड है, जिसमें आप सिर्फ अध्ययन करते हैं समाजशास्त्र में, और समाज कार्य में आप उसको एक्शन में ले आते हैं। और एक्शन में कोई भी सब्जेक्ट एक्शन में लाते ही वो प्रोफेशनल हो जाता है, और सब्जेक्ट अगर प्रोफेशनल हो गया तो निश्चित रूप से रोजगार परक होता है। तो यहाँ पर क्लियर है दोस्तों आपका डाउट्स कि समाजशास्त्र और समाज कार्य दोनों अलग अलग विषय हैं, दोनों का अध्ययन अलग अलग होता है। एक में आप अध्ययन करते हैं और एक में आप एक्शन करते हैं। दूसरा सवाल आता है मेरे पास, क्या यह प्रोफेशनल सब्जेक्ट है या प्रोफेशनल सब्जेक्ट नहीं है? तो जी हाँ दोस्तों, ये प्रोफेशनल सब्जेक्ट है, पूरी तरह से प्रोफेशनल सब्जेक्ट है। जैसे MJ में आप पत्रकारिता के संबंध में अध्ययन करते हैं और पत्रकारिता लाइन में जाते हैं। MCA में आपको कंप्यूटर रिलेटेड अध्ययन कराया जाता है, प्रैक्टिकल कराया जाता है और आप कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क करते हैं। MBA में आप मार्केटिंग से रिलेटेड वर्क करते हैं, आपको मार्केटिंग की स्किल समझाई जाती है। वैसे ही MSW भी एक प्रोफेशनल सब्जेक्ट है, इसमें आप समाज से जुड़े हुए जितने भी कार्य होते हैं, वो समाज से जुड़े हुए जितने भी डेवलपमेंट कार्य हैं, आंदोलन हैं, रिसर्च है, वो सारे कुछ आप सोशल वर्क के थ्रू करते हैं। इसमें डिग्री लेने के बाद आप इस तरह के कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। तो जी हाँ, ये प्रोफेशनल सब्जेक्ट है और 100% इसमें प्लेसमेंट की गारंटी होती है। मेरी जानकारी में आज तक कोई भी MSW जिसने कोर्स किया हो वो खाली नहीं बैठा है, वो कुछ ना कुछ कर रहा है। बल्कि स्कोप की बात हम करें, इसके क्षेत्रों की बात करें, तो समाज कार्य में कोर्स करने के बाद, मास्टर्स करने के बाद आपके पास इतने सारे रास्ते खुल जाते हैं, क्योंकि समाज एक बहुत व्यापक जगह है। समाज में हम रहते हैं, वहाँ हम बहुत कुछ सीखते हैं, वहाँ कुछ बहुत कुछ बदलाव करने की कोशिश करते हैं। सरकार भी प्रयास करती है, जितने भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, जितने भी पॉलिसीज बन रही हैं, उन सब में सोशल वर्कर का रोल होता है। तो आगे हम चर्चा करेंगे कि इसको और किस किस जगह पर रोल होता है, कहाँ कहाँ पर व्यवसाय अपना सकते हैं, किस किस तरह के प्रोफेशन में जा सकते हैं, उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आपके डाउट्स के बारे में बात करते हैं। तीसरा डाउट्स होता है स्टूडेंट्स का कि समाज सेवा और समाज कार्य में क्या अंतर है, क्या समाज सेवा समाज कार्य नहीं है? तो मैं यहाँ पर आपको ये अंतर स्पष्ट करना चाहती हूँ कि समाज सेवा और समाज कार्य भी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। समाज सेवा में हम क्या करते हैं, किसी के पास अगर देखते हैं कि भोजन की अनुपलब्धता है तो हम उसको भोजन प्रोवाइड कर देते हैं, किसी के पास कपड़े नहीं हैं तो हम अपने घर से कपड़े या कहीं से अरेंज कर देते हैं, हम उसकी तुरंत की आवश्यकता पूरी करते हैं। समाज कार्य में
हम स्किल डेवलपमेंट पे काम करते हैं। हम कोई भी व्यक्ति जो ज़रूरतमंद है, हम उसको ऐसा स्किल डेवलपमेंट करते हैं, उसको ऐसी ट्रेनिंग देते हैं कि उसको आपके मदद की ज़रूरत ना पड़े, आपकी सेवा की ज़रूरत ना पड़े। वो डायरेक्ट ऐसी ट्रेनिंग ले ले, ऐसा कुछ सीख ले जिससे वो अपना रोज़गार करने लगे, कुछ काम करने लगे और अपनी आमदनी बढ़ाने लगे। तो हम यहाँ पर हर उस व्यक्ति को जो कमज़ोर वर्ग का है, जो निर्बल वर्ग का है, जो गरीब वर्ग का है, जो किसी तरह से आपके ऊपर डिपेंडेंट है, ये जिसको जिसकी सेवा करके आपको लगता है कि आपने सेवा कर दी, तो उस चीज़ को यहाँ पर ख़त्म करके, हम सेवा को ख़त्म करके हम कार्य में उसको तब्दील करते हैं कि हम उसकी क्षमता की वृद्धि ऐसे करते हैं कि वो आगे चल करके अपना कुछ स्वरोजगार कर सके, कुछ ऐसा कार्य कर सके जिससे वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। तो ये तो हो गई आपके डाउट्स की बात। डाउट्स क्लियर हैं कि समाजशास्त्र और समाज कार्य अलग अलग विषय है, दोनों की डिग्रियां अलग हैं। समाज कार्य एक प्रोफेशनल सब्जेक्ट है, समाज कार्य और समाज सेवा में अंतर है। ठीक है, समाज सेवा कोई भी कर सकता है, पर समाज कार्य हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि समाज कार्य पढ़ने के दौरान हम आपको कुछ टूल्स, कुछ स्किल्स, कुछ विधियाँ ऐसी बताते हैं जिससे आप अन्य लोगों की स्किल्स में डेवलपमेंट ला सकते हैं। अब हम बात करते हैं समाज कार्य के सिलेबस के ऊपर। इससे आपको और स्पष्ट हो जाएगा कि समाज कार्य और समाज शास्त्र में अंतर किस प्रकार है। समाज कार्य को जो है 4 सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है हमारे यहाँ, जिसमें जिसकी बुक्स आपको SLM के माध्यम से आपको गई होगी। ठीक है, उसको जब आप पढ़ेंगे और ये लेक्चर सुनेंगे तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा कि समाजशास्त्र और समाज कार्य दोनों अलग अलग विषय हैं। तो हम इसके सिलेबस पर पहले चर्चा करते हैं। पहले सेमेस्टर में हम 3 पेपर पढ़ाए जाते हैं। पहला है समाज कार्य सिद्धांत एवं अभ्यास। सिद्धांत एवं अभ्यास में हम समाजशास्त्रियों द्वारा जो भी उनके अनुभव है, जो सिद्धांत उन्होंने बनाए हैं अपने अनुभव से सीख करके, जो उनके विचार रहे हैं, हम उसके बारे में अध्ययन करते हैं और अभ्यास करने का कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लीजिए फ्रायड का सिद्धांत। फ्रायड ने कई सारे एग्जाम्पल्स देके, कई सारे उदाहरण देख करके समाज कार्य को पुष्ट किया है कि समाज कार्य ये है, समाज शास्त्र से कैसे अलग है, इसमें हम कौन सी वैज्ञानिक पद्धतियाँ अपनाते हैं जिससे समाज कार्य किया जा सके। तो समाज कार्य सिद्धांत एवं अभ्यास में हम आपको थ्योरेटिकल जानकारी देते हैं, समाज शास्त्रियों के विचार क्या हैं, समाज कार्य का इतिहास क्या रहा है, कॉन्सेप्ट क्या है, अवधारणा क्या है, किस तरीके से समाज कार्य को चलाया जा रहा है अब तक। दूसरा पेपर होता है समाज कार्य की प्रविधियाँ एवं सामाजिक संरचना। ये पेपर थोड़ा सा समाज शास्त्र मिलता जुलता है। इसमें हम सामाजिक संरचना कि हमारा समाज किस प्रकार का है, परिवार किसको कहते हैं, जाति किसको कहते हैं, धर्म क्या है, इन सारे विषयों पर चर्चा की जाती है, इस बारे में अध्ययन कराया जाता है। दूसरा पार्ट है इसका समाज कार्य की प्रविधियाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस प्रविधियों में ही टूल्स बताए जाते हैं आपको कि किस प्रकार से आपको समाज कार्य को आगे ले जाना है। अगर आपको कार्य करना है, समाज कार्य एक्शन कार्य करना है, आपको आंदोलन करना है, आपको काउंसलिंग करनी है, आपको कोई प्रोजेक्ट तैयार करना है, आपको कोई प्रोजेक्ट रन करवाना है, तो उसकी क्या क्या विधियाँ होंगी, कौन कौन से टूल्स होंगे जो उसको आगे ले जाएंगे या समाज कार्य को करने में मदद करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें कई सारे जैसे सामाजिक अनुसंधान, सोशल एक्शन, पॉलिसी प्लानिंग एंड मेकिंग, रिसर्च, ये सारे टूल्स हैं जो जिस प्रकार से इसको आगे ले जाते हैं कि इसको समाज कार्य को करने के लिए ये सारी चीज़ें सुविधा प्रदान करती हैं, टूल्स किस तरीके से ये सारी चीज़ें करी जाएं। तीसरा पेपर जो है पूरी तरह से समाज कार्य की प्रविधियों पर डिपेंडेंट है। समाज कार्य की 6 प्रविधियाँ होती हैं जो आगे आप आगे के लेक्चर में आप पढ़ेंगे। इसमें यही है सामाजिक अनुसंधान, सोशल एक्शन, काउंसलिंग, रिसर्च, और कैसे केस वर्क करना है, ग्रुप वर्क कैसे करना है, कम्युनिटी केस वर्क कैसे करना है। जैसे केस वर्क एक व्यक्ति के साथ किया जाता है कार्य, ग्रुप वर्क एक समूह के साथ किया जाता है, कम्युनिटी वर्क पूरे एक समुदाय के साथ कार्य किया जाता है कि किस तरीके से आपको एक व्यक्ति के साथ कार्य करना है, व्यक्ति के साथ कार्य करना है तो उसकी काउंसलिंग कैसे करनी है, काउंसलिंग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है,
ग्रुप वर्क करना है तो एक समूह है, जैसे महिलाओं का समूह है, युवाओं का समूह है, वृद्धों का समूह है, बच्चों का समूह है, तो इन समूह के साथ आपको कैसे काम करना है, तो इनके साथ अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, अलग अलग टूल्स होते हैं कि कौन सा रास्ता माध्यम अपना करके, कौन सा टूल्स अपना करके आप अच्छी तरीके से इनके साथ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तीसरा होता है कम्युनिटी वर्क। कम्युनिटी वर्क एक समुदाय की बात करते हैं, एक समुदाय, अगर पूरा ग्रुप, जैसे पूरा गांव है, तो उसके साथ अगर हमें काम करना है, डेवलपमेंट का काम करना है, तो गांव में कई तरह के डेवलपमेंट होते हैं, वहाँ आपको महिलाओं का भी विकास करना है, आपको वहाँ स्कूल का भी विकास करना है, आपको वहाँ स्वच्छता के बारे में भी काम करनी है, आपको बच्चों के बारे में भी काम करना है, तो इसके लिए अलग अलग टेक्निक्स अपनानी पड़ती हैं। उस टेक्निक्स के बारे में इस पेपर में आपको समझाया जाता है। यही चीज़, यही पेपर, यहीं से समाजशास्त्र और समाज कार्य का अलगाव हो जाता है, क्योंकि समाजशास्त्र में हम अध्ययन करते हैं और यहाँ हम टूल्स सीखते हैं। समाजशास्त्र में हम समाज में नहीं उतरते, लेकिन समाज कार्य में हम समाज में उतरते हैं, डायरेक्ट फेस करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान के लिए प्रयास करते हैं, जिसमें ये टूल्स आपको लाभकारी होते हैं। यहीं से कह सकते हैं कि इसी टूल्स के कारण इस सब्जेक्ट को प्रोफेशनल सब्जेक्ट कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर आप विधियाँ सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट सेमेस्टर, जिसमें आपको तीन पेपर, एक बेसिक नॉलेज सोशल वर्क के बारे में दी जाती है। सेकेंड सेमेस्टर में पहला पेपर होता है श्रम कल्याण और वेलफेयर का। श्रम कल्याण, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि जब आप लेबर वर्क करते हैं, आप फैक्ट्री में काम करते हैं या फैक्ट्री में किसी तरीके के लेबर्स के साथ काम करते हैं, यहाँ पर आगे स्पष्ट करूँगी मैं कि श्रम कल्याण क्या होता है, उसमें सोशल वर्कर का कैसे रोल होता है। फैक्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ के लिए गवर्नमेंट ने आदेश किया है कि जो भी उनकी आमदनी होगी उसका 20% वो डेवलपमेंट के कार्यों में लगाएंगे। तो आज के समय में हर फैक्ट्री एक एक सोशल वर्कर को रखती है अपने यहाँ, जिसको कहते हैं लेबर वेलफेयर ऑफिसर। एक एक वर्कर, दो, एक या दो वर्कर उनकी संख्या के हिसाब से उनको रखना अनिवार्य है, जिसमें उनका काम होता है कि श्रमिकों के बीच में और जो वहाँ के ऑनर हैं, मालिक हैं वहाँ के, उनके बीच में एक तालमेल बिठाना, श्रमिकों की समस्याओं को वहाँ तक पहुँचाना और मालिकों की समस्याओं को श्रमिकों तक पहुँचाना, तो उनके बीच में एक तालमेल बिठाने का काम सोशल लेबर वेलफेयर ऑफिसर करता है। तो इस पेपर में आपको श्रम कल्याण से संबंधित जितने टेक्निक्स, टूल्स और कानून बने हुए हैं, इसके बारे में आपको जानकारी दी जाती है। सेकेंड सेमेस्टर का दूसरा पेपर है सामाजिक नीति नियोजन एवं विकास। इस पेपर में, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, नीति नियोजन एवं विकास। हमारे देश का डेवलपमेंट कैसे होता है, पहले तो ये जान लें। डेवलपमेंट करने के लिए सरकार पॉलिसीज़ बनाती है, नीतियाँ बनाती है। नीतियाँ जैसे जनसंख्या नीति, महिला नीति, युवा नीति, कृषि नीति, इन सब के नाम आपने सुने होंगे। नीतियाँ बनाती है कि नीतियाँ कई सालों के लिए बनती हैं, जैसे 10 साल के लिए, 20 साल के लिए कोई नीति बनी, जैसे महिला नीति बनी, तो हम महिलाओं के विकास के लिए क्या क्या करेंगे इन 20 वर्षों में, इन 10 वर्षों में हम महिलाओं के विकास के लिए क्या क्या कार्य करेंगे। जैसे महिलाओं की शिक्षा का प्रतिशत हम 90% बढ़ा देंगे, ये नीति में मेंशन होता है। महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी हम 100% देंगे अगले 10 सालों में, ये नीति में इसकी व्याख्या होती है। ठीक है, उसके बाद नियोजन होता है, प्लानिंग होती है कि इस परसेंटेज को प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या योजनाएं बनानी होंगी। ठीक है, तो ये बात स्पष्ट हो रही है कि पहले नीतियां बनती हैं, फिर नियोजन बनता है, फिर उसका क्रियान्वयन होता है। एज ए सोशल वर्कर, सोशल वर्क की डिग्री लेने के बाद आपको तीनों में ही अपना रोल अदा कर सकते हैं। पॉलिसी मेकर्स भी सोशल वर्कर को हायर करते हैं, वो सोशल वर्कर का यहाँ पर रोल होता है एक जनमत तैयार करना, एक रिसर्च तैयार करना, ओपिनियन पोल तैयार करना। आपने देखा होगा इंटरनेट पे पॉलिसीज़ बनने से पहले कई बार सवाल पूछे जाते हैं कि जनता का व्यू क्या है, एकेडमिशियन का व्यू क्या है। ठीक है, तो उस पोल के आधार पर, उस जनता के जनमत के आधार पर पॉलिसी बनाई जाती है। उस बीच में सरकार और जनता के बीच में रोल प्ले करने का काम सोशल वर्कर करता है और गवर्नमेंट इसके लिए हायर करती है सोशल वर्कर को। दूसरा स्टेज पे आते हैं क्रियान्वयन, प्रोग्राम बनाने के स्टेज पर।
जब पॉलिसी बन जाती है तो उससे रिलेटेड कई सारे कार्यक्रम बनाए जाते हैं। कार्यक्रम किस प्रकार के होते हैं? जैसे रोजगार पर कार्यक्रम, महिलाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था के लिए सरकार ने लोन की व्यवस्था करी है कि कोई 5 लाख तक का लोन अगर घरेलू महिला है, उसको काम करना चाहती है, तो वो ब्याज फ्री रख करके उसको लोन दिया जाएगा। तो इस तरह के जो कार्यक्रम बनते हैं, या स्कूल का निर्माण होना है, महिलाओं के लिए स्कूल का निर्माण होना है, बच्चों के लिए स्कूल का निर्माण होना है, छात्री आवास का निर्माण होना है, हॉस्टल निर्माण होना है, ये सारे इस तरह के प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं कि हम अगले 5 साल में। पंचवर्षीय योजनाओं का नाम सुना होगा आपने, पंचवर्षीय योजनाएं भी इसी कार्यक्रम मोड में आती हैं कि अगले 5 साल तक हम इस प्रकार का विकास करेंगे, हम इतनी महिलाओं के स्कूल खोलेंगे, हम बच्चों के स्कूल इतने खोलेंगे, हम सुरक्षा के लिए इतने कानून के लिए बनाने के लिए इतने NGOs को फंड करेंगे, इस तरह के कार्यक्रम्स बनाए जाते हैं। तीसरा इसका स्टेप होता है क्रियान्वयन, कि अब इस प्रोग्राम तो बना लिया, पॉलिसी बन गई, प्रोग्राम बन गया, अब इसका क्रियान्वयन कैसे हो। क्रियान्वयन के लिए भी सोशल वर्कर का रोल होता है, क्योंकि वही एक स्टेज ऐसी है, वो सोशल वर्कर ही ऐसे हैं जो ट्रेंड होकर के आते हैं और उसको क्रियान्वयन कैसे करना है अपनी टेक्निक्स के अनुसार, अपनी जो सीखा होता है उसके अनुसार क्रियान्वयन करते हैं। तो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट और फैक्ट्रीज, तीनों प्रकार की एजेंसियां आपको हायर करती हैं, आपकी सैलरी होती है, सरकारी क्षेत्र में भी होती है, गैर सरकारी क्षेत्र में भी होती है और फैक्ट्री के भी लाइन में होती है। तो इसमें आप तीनों स्टेज पर रोल प्ले करते हैं, पॉलिसी मेकिंग में, प्लानिंग में और क्रियान्वयन में। तो ये हो गया हमारा दूसरा पेपर सेकेंड सेमेस्टर का, जिसमें हम इस बारे में अध्ययन करते हैं और सीखते हैं। इसी सेमेस्टर का तीसरा पेपर है शोध एवं सांख्यिकी। शोध एवं सांख्यिकी, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि हम किसी विषय पर शोध करते हैं। शोध क्या होता है कि किसी भी चीज़ को साइंटिफिक तरीके से प्रूफ करना। जब हम किसी टॉपिक को लेते हैं, मान लीजिए कोई अंधविश्वास है समाज में, जैसे बिल्ली रास्ता काट गई, ठीक है, ये एक अंधविश्वास है कि बिल्ली रास्ता काट गई तो आपको आगे नहीं बढ़ना है। तो ये क्या, ये बिना, कुछ अंधविश्वास ऐसे हैं जिनको बिना हम सोचे समझे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि इसको मान लेने में क्या बुराई है, लेकिन उसको नहीं मानने में क्या बुराई है। तो इस तरह के ओपिनियन पोल जो तैयार करते हैं, रिसर्च तैयार करते हैं, कितने लोग मानते हैं ये सही है, कितने लोग मानते हैं ये सही नहीं है, या महिला अधिकारों के बारे में या बच्चों के बारे में ये चीज़ें लागू होनी चाहिए, महिलाएं सुरक्षित हैं, जैसे एक एग्जांपल कि बहुत सारे कानून बने हैं, सरकार की तरफ से बहुत सारी व्यवस्था है, लेकिन फिर भी क्या महिलाएं सुरक्षित हैं, क्या महिलाएं अपने अधिकारों का प्रयोग कर पा रही हैं। इस बारे में अगर हमें एक स्पष्ट क्लियरिफिकेशन चाहिए तो उसके लिए हमें एक साइंटिफिक रोल प्ले करना होता है, जिसका माध्यम होता है रिसर्च। रिसर्च में हम साइंटिफिक तरीके से प्रूफ करते हैं, आंकड़े इकट्ठा करते हैं। इस सेमेस्टर के तीसरे सेमेस्टर में हम जो है पहला जो हमारा विषय पढ़ाते हैं हम लोग, वो है सामुदायिक संगठन। सामुदायिक संगठन, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इसके बारे में हम कम्युनिटी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कम्युनिटी क्या है, कम्युनिटी मतलब समुदाय हमारे किस किस प्रकार के होते हैं, उनके साथ कार्य करने के लिए हम एक सोशल वर्कर एज ए सोशल वर्कर किस तरीके से कार्य किया जा सकता है, उनको यूनाइट करने के लिए इन जो अंधविश्वास हैं, जो परंपराएं हैं, जो समाज में लोगों को आगे बढ़ने से रोक रही हैं, उनके किस तरीके से उनका अध्ययन करना है और किस तरीके से कार्य करके उस चीज़ों को दूर करके उनको आगे ले करके आना है, इसके बारे में सामुदायिक संगठन के बारे में बता दें। कि पहले हम समुदाय को समझ लें कि समुदाय क्या है। जब समुदाय में हम जाते हैं तो समुदाय में कई प्रकार की विचारधारा के लोग मिलते हैं, तो उनको एक विचार के अंतर्गत लाना बहुत मुश्किल कार्य होता है। जैसे अब महिलाएं हैं वो अलग बात करेंगी, पुरुष हैं वो अलग बात करेंगे, वृद्ध हैं वो अलग बात करेंगे। तो जब एक परिवार में चार लोगों के विचार नहीं मिलते तो एक समुदाय एक बहुत बड़ा रूप है, उसमें अगर एक विचार पर लाना एक बहुत मुश्किल टास्क होता है। तो समुदाय में उनको एक विचारधारा के अंतर्गत ले आना और विकास के रास्ते से जोड़ना, इसमें सोशल वर्कर की भूमिका होती है। सामुदायिक संगठन के इस पेपर में आपको उसी स्किल्स और टेक्निक्स के बारे में बताया जाता है जिससे आप उस
टूल्स टेक्निक्स का यूज़ करके बहुत आसानी से समुदाय के साथ कार्य कर सकते हैं। इसी सेमेस्टर में अगला पेपर है व्यक्तित्व एवं असामान्य व्यवहार। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, व्यक्तित्व एवं असामान्य व्यवहार मतलब इसमें हम व्यक्ति के पर्सनालिटी के बारे में, बिहेवियर के बारे में अध्ययन करते हैं। ये क्यों ज़रूरी है सोशल वर्क में? क्योंकि हम कार्य करते वक्त व्यक्ति के प्रभाव में आते हैं, समुदाय के प्रभाव में आते हैं। तो जब तक हम सामने वाले का व्यक्तित्व समझते नहीं हैं, जान नहीं लेते हैं, तब तक उसकी समस्या के बारे में हम समझ नहीं सकते, उसके विकास के बारे में हम सोच नहीं सकते और उसके उसको आगे बढ़ने में हेल्प नहीं कर सकते। तो इसलिए व्यवहार के बारे में समझना बहुत आवश्यक है कि हर व्यक्ति का व्यवहार, पर्सनालिटी अलग अलग होती है। ठीक है, किस व्यक्ति के साथ कौन सा टूल्स, कौन सी टेक्निक्स अपनानी है जिससे आसानी से आपको उसको विकास के मुख्य धारा से जोड़ सकें या उसकी समस्याओं से आप उसको निकाल सकें। तो विशेष तौर से केस वर्क करते समय इस व्यवहार को समझना बहुत ज़रूरी है। तो केस वर्क में इसका योगदान बहुत है, इसलिए ये अध्ययन को, इस विषय को अध्ययन में लिया गया है। पर्सनालिटी की बात करें तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का काम इस विषय में किया जाता है कि व्यक्तित्व का विकास कैसे करना है। अगर कुछ कमियां हैं व्यक्तित्व विकास में, व्यक्तित्व में कि जिस कारण से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उस अवरोधों को कैसे दूर किया जाए, ये इसमें सोशल वर्कर की भूमिका होती है। इसी सेमेस्टर में अगला अध्याय जो होता है वो संचार एवं परामर्श का होता है, कम्युनिकेशन एवं काउंसलिंग। इसमें आपको सिखाया जाता है कि कम्युनिकेट करने के लिए कि अगर आप अगले व्यक्ति तक कोई बात कह रहे हैं तो उसका तरीका क्या हो, वो किस प्रकार से, कौन सा माध्यम हो जिससे आपकी बात भी उसको समझ में आ जाए और वो आसानी से एक्सेप्ट कर ले, कोई प्रतिक्रिया ज़्यादा ना करे और उसके कुछ डाउट्स हैं तो उसको कैसे आप क्लियर कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन मतलब आप अपनी बातों को किस माध्यम से, किस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, ये बहुत आवश्यक है। इसका दूसरा पार्ट है काउंसलिंग। काउंसलिंग का मतलब होता है कि आपको सामने वाले व्यक्ति को काउंसिल करके अपनी बात तक ले आना। जो आप सोच रहे हैं, आपको लगता है कि इस व्यक्ति का इस प्रकार अगर हम इसकी काउंसलिंग करेंगे, जैसे काउंसलिंग की ज़रूरत बहुत सारे केस वर्क में पड़ती है, जैसे पारिवारिक विवाद हैं तो इसमें काउंसलिंग करके पति और पत्नी या परिवार के अन्य सदस्यों की काउंसलिंग करी जाती है। काउंसलिंग के टूल्स होते हैं, कुछ नियम्स होते हैं, उसको अपना करके सोशल वर्कर कार्य करता है और उनके अवरोधों को दूर करके उनको आपस में मेलजोल बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है। तो ये तीसरे सेमेस्टर में ये तीन पेपर पढ़ाए जाते हैं जो आपको सोशल वर्क की टेक्निक्स और टूल्स के बारे में बताते हैं, जो कम्युनिटी के साथ कैसे काम करना है, काउंसलिंग कैसे करनी है, कम्युनिकेशन कैसे करना है इत्यादि के बारे में। चौथा सेमेस्टर परिवार एवं बाल कल्याण से संबंधित है। बाल कल्याण और परिवार कल्याण, इसमें हम परिवार के कल्याण की बात करते हैं, बच्चों के विकास की बात करते हैं कि एक परिवार को कैसे विकसित करना है, परिवार में संतुलन कैसे बनाए रखना है। इस तरह के केसेस काउंसलिंग केंद्र बहुत सारे चलाए जा रहे हैं जिसमें काउंसलिंग क्लासेस होती हैं पति पत्नी की, बच्चों की, अगर आपस में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है तो उनको कैसे तालमेल बिठाया जाए, कैसे एक रास्ता बना करके, एक रास्ते पर ला करके उनको आगे बढ़ाया जाए, परिवार ना टूटने पाए, ठीक है, समाज में इस तरह की समस्याएं ना आने पाए, इसके लिए परिवार ये पाठ्यक्रम आपको पढ़ाया जाता है। इसी में दूसरा जो है, जो पार्ट है, दूसरा जो अध्ययन आपको कराया जाता है चिकित्सकीय सोशल वर्क, मतलब आपको मेडिकल से संबंधित कुछ व्यवहार की विकृतियां ऐसी होती हैं कि जब आदमी कुछ व्यवहार करते करते, जैसे किसी को क्रोध बहुत आता है तो ये क्रोध आने का कारण क्या है, ये मेडिकल ट्रीटमेंट में चला जाता है। कुछ एक सामान्य स्थिति होती है, कुछ सामान्य स्थिति से जब ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे कि क्रोध में आकर कोई सामान वस्तु तोड़ फोड़ करना, किसी को मार देना, इस तरह की जब विकृतियाँ आ जाती हैं तो वो मेडिकल उसमें टर्म्स में चला जाता है। इस फेज में भी सोशल वर्कर का रोल होता है, इसके भी टूल्स और टेक्निक्स आपको बताए जाते हैं कि जब एक व्यवहारिक विसंगतियाँ आ गई हैं व्यक्ति में तो उसको किस तरीके से दूर करना है, किस तरीके से ट्रीटमेंट देना है आपको, और ट्रीटमेंट दे करके उसका निदान करना है। इसी के साथ एक ऑप्शनल जो है एक पेपर होता है जो प्रोजेक्ट वर्क का होता है, जिसमें से आप या तो मेडिकल सोशल वर्क ले सकते हैं
या फिर आप एक प्रोजेक्ट वर्क ले सकते हैं। प्रोजेक्ट वर्क में जो है आपको कोई भी एक टॉपिक लेकर के, मेडिकल से रिलेटेड, इस तरह के व्यवहार विसंगतियों से लेकर के रिलेटेड लेकर के आपको उसके बारे में एक अध्ययन करना होता है, जो आपको ऊपर पढ़ाया जा चुका है सेकंड सेमेस्टर में। रिसर्च का पेपर, उसमें टूल्स बताए गए हैं कैसे रिसर्च करना है, कि व्यक्ति का व्यवहार अगर इस कारण से है, मतलब हो रहा है, इस तरीके से प्रतिक्रिया कर रहा है, तो उसके पीछे उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। क्या उसके साथ कोई ऐसी पूर्व में घटना घटी है, या परिवार का वातावरण ऐसा नहीं है, या समाज में कुछ ऐसा फेस कर रहा है जिसके कारण वो इस तरह के। तो पहले आपको इन कारणों को पता लगाना होगा। कारणों का पता लगाने के बाद आपको उसको दूर करने का प्रयास करना होगा। तो इस तरह से इसमें प्रोजेक्ट वर्क तैयार किया जाता है। दूसरा पेपर होता है इसी सेमेस्टर में ग्रामीण विकास का और पंचायती राज व्यवस्था का। ग्रामीण विकास, जैसा कि समझ में आ रहा है कि ग्रामीण विकास मतलब रूरल एरियाज़ में काम करने के लिए आपको टेक्निक्स और टूल्स बताए जाते हैं कि किस तरीके से आपको रूरल एरिया में पंचायती राज व्यवस्था में इंटरफेरेंस करके कैसे काम को करना है और कैसे एक ग्रामीण विकास के कार्यक्रम को संचालित करना है। तो इस प्रकार से 4 सेमेस्टर में ये पेपर पढ़ाए जाते हैं, जो सभी पेपर में आपको टूल्स और टेक्निक्स अलग अलग बताई जाती हैं कि आपको व्यक्ति के साथ कैसे काम करना है, आपको ग्रुप में कैसे काम करना है, आपको कम्युनिटी में कैसे काम करना है, आपको रिसर्च कैसे करना है, आपको एज ए मेडिकल सोशल वर्कर कैसे काम करना है, ऐसे एज ए रूरल एरिया में आपको कैसे काम करना है, अर्बन एरिया में कैसे काम करना है, ये सारी टेक्निक्स आपको उसमें सिखाई जाती हैं। तो ये सिलेबस जानने के बाद आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा कि समाजशास्त्र और समाज कार्य दो अलग अलग विषय हैं और ये प्रोफेशनल कैसे है, क्योंकि आपको एक टूल्स और टेक्निक्स सिखाए जाते हैं जिसको आप रोजगार में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे कि किस किस प्रकार के रोजगार आपको इसमें प्राप्त हो सकते हैं। जहाँ तक रोजगार की बात है, सबसे पहले हम सरकारी क्षेत्र में बात करते हैं। सरकारी क्षेत्र में भी रोजगार की संभावनाएं हैं। अगर आप ये डिग्री हासिल करते हैं, मास्टर इसमें सोशल MSW करते हैं, तो सरकारी कई सारी वैकेंसीज आती हैं, जैसे बाल एवं पुष्टाहार विभाग में आती है, वेलफेयर ऑफिसर की आती हैं। गवर्नमेंट के कई सारे प्रोग्राम्स हैं जिसमें वेलफेयर ऑफिसर की डिमांड करी जाती है, तो वो आप डायरेक्ट इंटरव्यू के माध्यम से वहाँ सेलेक्ट किए जाते हैं और वहाँ पर आपको नौकरी मिल जाती है। दूसरा क्षेत्र है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, NGO। NGO जो सरकार योजनाएं बनाती हैं, जो प्रोग्राम्स बनाती है, तो सारे काम जो खुद नहीं कर सारे काम खुद नहीं कर पाती है, तो कुछ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट किए जाते हैं, उनके माध्यम से कार्य कराया जाता है। तो उस NGO में जो है MSWs लिए जाते हैं, क्योंकि उनके पास स्किल्स होती है, उनके पास टेक्निक्स होती हैं, और NGOs का काम होता है कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, गवर्नमेंट की स्कीम्स को आगे बढ़ाना। अलग अलग NGOs कुछ महिला के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कुछ बाल विकास में काम कर रहे हैं, कुछ कानूनी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कुछ वायलेंस को लेके काम कर रहे हैं। तो आप जो भी फील्ड चुनना चाहते हैं, ऑप्शंस बहुत हैं, ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा, आपका इंटरेस्ट किस में है, आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। तो NGO सेक्टर में भी आप डायरेक्ट इंटरव्यू के माध्यम से जा सकते हैं। इसी के साथ फंडिंग एजेंसी होती है, जैसे वर्ल्ड बैंक है, सिप्सा है, हेल्थ वॉच है, यूनिसेफ है, ये सारी फंडिंग एजेंसी हैं जो NGOs को फंड करती हैं और साथ ही साथ गवर्नमेंट को भी फंड करती हैं। उस फंडिंग एजेंसी में भी आप जान सकते हैं, पॉलिसीज बनाने के लिए, प्रोग्राम्स बनाने के लिए कंपनी आपको हायर करती हैं। तीसरा क्षेत्र है फैक्ट्री। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि फैक्ट्री में अब गवर्नमेंट ने अनिवार्य कर दिया है कि जो भी उनकी इनकम का है, वो 20% वो जनता के विकास के लिए, सोशल डेवलपमेंट में वो अपना 20% आमदनी का लगाएंगे। उसके लिए अब अनिवार्य है कि हर फैक्ट्री, हर कंपनी 2 या 3 अपने कर्मचारियों की संख्या को देखते हुए वहाँ पर एक नियुक्त करें। तो वहाँ पर लेबर वेलफेयर ऑफिसर की पोस्ट होती है, जो वैकेंसीज निकलती है, वो प्राइवेट भी होती है, गवर्नमेंट भी होती है, जैसी कंपनी हो उस तरीके के आधार पर आप सेलेक्ट किए जाते हैं। चौथा क्षेत्र है कोर्ट का, कोर्ट कचहरी। वहाँ पर काउंसलर रखे जाते हैं, विशेष तौर पे जो फैमिली केसेस आते हैं, फैमिली तलाक के केसेस आते हैं, फैमिली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उसके केसेस आते हैं, तो उसके बारे में काउंसलर वहाँ रखे जाते हैं, जिसमें सोशल वर्क की डिग्री मांगी जाती है, और वो सोशल वर्क, क्योंकि उनके पास स्किल्स है, तो इसलिए वहाँ पर सोशल वर्कर रखे जाते हैं, जो पति पत्नी के बीच में, परिवार के बीच में, परिवार के लोगों के साथ काउंसलिंग करके उनके विवादों को कम करने की कोशिश करते हैं, कोशिश करी जाती है कि वो नौबत तलाक तक ना आने पाए, पहले ही सुलझा दिए जाए।
कोर्ट भी 6 महीने का टाइम देती है डिवोर्स होने से पहले। उस 6 महीने के पीरियड में काउंसलर का काम होता है कि उनके बीच में समस्याओं को कम करने का, ख़त्म करने का प्रयास करे। नेक्स्ट होता है टीचिंग लाइन। टीचिंग लाइन में भी आप MSW की डिग्री ले लीजिए, उसके बाद आप PhD करिए, और आप किसी भी आप तो सोशल वर्क कई सारे प्राइवेट कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है, वहाँ एज ए फैकल्टी आप कार्य कर सकते हैं। एक और क्षेत्र है व्यवसायिक, अपना व्यवसाय आप कर सकते हैं। कैसे? कई सारे काउंसलिंग सेंटर खुले हैं, जैसे कि कैरियर काउंसलिंग सेंटर, फैमिली काउंसलिंग सेंटर, वुमेन काउंसलिंग सेंटर। तो इस तरह के काउंसलिंग सेंटर आप खुद रन कर सकते हैं, खोल करके उसकी कुछ फीस रख सकते हैं, आप काउंसलिंग क्लासेस दे सकते हैं, उनकी समस्याओं को सुन कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं और उनके समाधान के रास्ते बता सकते हैं। इसमें काउंसलिंग सेंटर्स में फैमिली काउंसलिंग सेंटर और एजुकेशन कैरियर काउंसलिंग सेंटर, ये बहुत ज़्यादा स्कोप में हैं और ये बहुत ज़्यादा चलते हैं। तो ये क्षेत्र हमने आपको बताया जिसमें आप अपना कैरियर इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, ऑप्शन इतने हैं कि आप खाली नहीं बैठ सकते। ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी फील्ड चूज़ करते हैं, आपके इंटरेस्ट का विषय क्या है, आप किस तरह का कार्य करना चाहते हैं, क्योंकि समाज एक बहुत व्यापक क्षेत्र है और समाज में कार्य करना है तो इसलिए इसकी फील्ड भी बहुत बड़ी है। इसीलिए आज तक MSW को, किसी भी MSW को मैंने खाली बैठे हुए नहीं देखा है। और अगर फिर भी आपको जॉब नहीं मिलती है तो आप हमसे संपर्क करें, आपका 100% प्लेसमेंट हम कराएंगे। इसी के साथ मैं बात अपनी ख़त्म करूंगी कि ये एक कोर्स करने के बाद आपको सारी टेक्निक्स टूल्स समझ में आ गई, एक प्रोफेशनल सब्जेक्ट है। साथ ही साथ मैं ये आपको बताना चाहती हूँ, इसी यूनिवर्सिटी में कई सारे IPS ऑफिसर, IAS ऑफिसर, PCS ऑफिसर्स, कई सारे सेना के लोगों ने इस कोर्स को किया है, जिनको कैरियर बनाने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश हैं, लेकिन उन्होंने किया क्योंकि उनके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, सामाजिक इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है। इससे कम से कम एक कैपेसिटी बिल्डिंग होती है, आपकी व्यवहारिक क्षमता में वृद्धि होती है, आप इतने लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, इतने तरह के व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं कि आपको अपनी समस्या कम लगने लगती है। तो आप एक संतुलन बनाए रखने का काम अपनी लाइफ में बहुत बेहतरी तरीके से कर सकते हैं। अगर आप इसको नहीं भी व्यवसाय के रूप में अपनाते हैं, रोज़गार के रूप में अपनाते हैं, तो भी आपकी व्यक्तिगत पर्सनालिटी में बहुत इम्प्रूवमेंट होता है। तो इसी के साथ मैं अपने बात को ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद।